नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। आज हम आपको काली सिंध नदी और इस पर बने बांध के बारे में जानकारी देना जा रहे हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से हुआ है। काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश रायपुर के निकट झालावाड़ जिले में हुआ है। झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी से आहू नदी मिल जाती है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर ही गागरोन का किला बना हुआ है। इस नदी की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है। झालावाड़ से कोटा जिले में प्रवेश कर नोनेरा नामक स्थान पर यह चंबल नदी से मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा भाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। झालावाड़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर जेतपुरा में काली सिंध नदी पर बांध बनाया गया है। इस बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य आसपास के गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना, प्रतिवर्ष काली सिंध नदी में आने वाली बाढ़ को रोकना और काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। 995 मीटर लंबे और 316 मीटर ऊंचे इस बांध का निर्माण कार्य 2010 से 2014 के बीच पूरा हुआ। इस बांध की भराव क्षमता 5,42,00,000 मीटर क्यूब है। यह बांध अपने 33 गेटों के साथ राजस्थान में सबसे अधिक गेटों वाला बांध है। इस बांध का कमांड एरिया 7,547 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, आशा है आपको काली सिंध नदी और उस पर बने बांध के बारे में यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करें।